हाय नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी के साथ आपका ज्योग्राफी का दोस्त 12th का आपके मॉडल लिए क्वेश्चन पेपर जो सेट वन है। ओके, तो आप सभी के सामने दिख रहा होगा जो ज्योग्राफी का सेट वन है वो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर जो MCQs हैं यानी कि एक नंबर के जो क्वेश्चन आता है वो करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए हमारे साथ इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन भवन निर्माण, दूसरा पशुपालन, तीसरा परिवहन और चौथा विनिर्माण। ठीक है, तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएँ द्वितीय और तृतीयक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं पहले। तो देखिए, जो भवन निर्माण होता है वो तो प्राथमिक में आएगा नहीं, वो आ जाएगा हमारे तृतीयक में। ठीक है, पशुपालन वो भी आ जाएगा द्वितीयक में। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो पशुपालन होगा। ठीक है, राइट आंसर पशुपालन होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा है, नवा मंडी और गोवा की महत्वपूर्ण लोक अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है। नवा मंडी और गोवा, ठीक है, दो ठो लोक अयस्क की खाने हैं, वो दोनों अयस्क भारत के कौन से राज्य में स्थित है ये पूछा गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, तीसरा झारखंड और चौथा कर्नाटक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है देखिए झारखंड। ठीक है, झारखंड में ही नवा मंडी और गोवा जो है वो दोनों स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। ठीक है, इसका शॉर्ट में फॉर्म में नाम आ जाएगा GAIL यानी कि गैल। ठीक है, इसका शॉर्ट में आ जाएगा गैल। ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुआ था पहला है 1975, दूसरा है 1984, तीसरा 1980 और चौथा 1986। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1984 1984 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के में आंतरिक प्रवास की धाराएं कितनी है। ठीक है, भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 5 और तीसरा यानी चौथा 6। ठीक है, तो भारत में कितनी प्रवास की धाराएं हैं, 6 धाराएं। कितनी 6 धाराएं हैं। ठीक है, भारत में प्रवास की 6 धाराएं हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या निवास करती है। बौद्ध जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक कौन से राज्य में निवास करती है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा गुजरात। ठीक है, सबसे अधिक किस में निवास करती है, यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निवास करती है बौद्ध जनसंख्या यानी बौद्धिस्ट, वहीं पर अधिक से अधिक निकलेंगे। रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है। रूर एक स्थान है जो कोयला प्रदेश यानी कि वहाँ पे कोयलों का भंडार है। ठीक है, कोयला का भंडार है, तो वही पूछा जा रहा है कि वो किस देश में स्थित है। ठीक है, तो वो पहला है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा स्वीडन, ठीक है, और चौथा ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर जो है वो जर्मनी है। जर्मनी में ही रूर कोयला प्रदेश जो है वो स्थित है। ठीक है, सातवां है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील में, ठीक है, कॉफ़ी के बागानों के, जैसे कि भारत में हम लोग को यहाँ पे बागान को बागान ही कहते हैं ना, तो इस तरह ब्राज़ील में क्या कहते हैं। तो इसका फर्स्ट है कोरखोल, दूसरा फजेंडा, तीसरा ट्रक फार्मिंग और चौथा पुष्प उत्पादन। ठीक है, उसमें देखिए जो ये थर्ड है पुष्प उत्पादन, मतलब कि फूलों का उत्पादन के बारे में बताया जा रहा है। इसमें ट्रक फार्मिंग है, ट्रक फार्मिंग मतलब कि होता है एक दिन में जो सब्जी पहुँचा दिया था। ठीक है, फजेंडा और कोल खोज, तो इसका जो है राइट आंसर देखिए फजेंडा है। ठीक है, कौन सा है, फजेंडा। कोल खोज एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से गलत आंसर का नहीं टिकला गया। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। ठीक है, पहला कॉफ़ी, दूसरा गन्ना, तीसरा गेहूँ और चौथा रबड़। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो कि रोपण कृषि में है, तो इसका आंसर आएगा
इसका राइट आंसर आएगा रबड़। ठीक है, रबड़ जो है वो। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र कृषि द्वारा मानव प्रतिवेदन कब प्रतिवस्त प्रकाशित किया जा रहा है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, जो है वो कब से प्रकाशित किया जा रहा है? ठीक है, किस वर्ष से? तो देखिए, पहला है 1990, दूसरा 1985 और तीसरा 1988 और चौथा 1985। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 1990। ठीक है, यानी कि 1980 है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, निम्नलिखित में से किस देश में लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? ठीक है, कौन सा देश है जिसमें से लिंग अनुपात सबसे अधिक विश्व में है? ठीक है, तो पहला संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा फ्रांस, तीसरा लेटाविया और चौथा है जापान। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सबसे, इसका सही आंसर होगा तो लेटाविया होगा। ठीक है, लेटाविया जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? ठीक है, प्रदूषण का प्रकार नहीं है, तो प्रदूषण का मतलब आप समझते हैं, प्रदूषण उसे कहते हैं जब किसी भी वस्तु में उसकी जो शुद्ध मात्रा रहती है, ठीक है, जो रहनी चाहिए उससे थोड़ी भी अलग हो जाए, यानी कि उसमें से कोई भी गंदगी मिल जाए तो उसे प्रदूषण कराते हैं। जैसे कि पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है ऑप्शन है जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और तीसरा चौथा सौर ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला कि प्रदूषण का प्रकार, तो वायु प्रदूषण तो प्रदूषण का ही प्रकार है, ध्वनि भी और जल भी। सौर ऊर्जा जो है वो इसमें से किसी प्रकार की का भी प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या दर सर्वाधिक है? जनसंख्या दर जो है सबसे अधिक किस महाद्वीप में है? ठीक है, तो पहला है अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा दक्षिण अमेरिका और चौथा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसमें से देखिए आंसर जो होगा सो होगा इसका कौन सा, एशिया। इसका आंसर होगा एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे सघन यानी कि बहुत अधिक जनसंख्या बसा हुआ? ठीक है, इसमें जनसंख्या बहुत अधिक बसा हुआ। देख, पहला है अटकामा, दूसरा भूमध्य प्रदेश, ठीक है, तीसरा ध्रुवीय प्रदेश और चौथा दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, चौथा है दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के भाग में आते हैं, उधर जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक है, सघन है। नेक्स्ट है, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ। ठीक है, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ की संकल्पना भूगोल वेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया है, यानी कि किस भूगोल वेत्ता ने इसे प्रस्तुत किया है? ठीक है, किसने इसे बताया है? तो पहला है हम्बोल्ट, दूसरा है ग्रिफिथ टेलर और तीसरा एलन सी सैंपल, चौथा रेटजर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा होगा ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो भारत की बात हो रही है यहाँ पे कि भारत में जो है वो सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो पहला है ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, दूसरा यमुना और तीसरा सतलुज, चौथा गोदावरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? यमुना। यमुना जो है फर्स्ट नंबर में तो गंगा आता है, लेकिन यहाँ पे गंगा नहीं दिया गया, इसलिए दूसरे नंबर पे आता है यमुना। तो यमुना हम यहाँ टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी कौन सा खनिज है जिसे हम भूरा हीरा के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो देखिए पहला है लौह अयस्क, दूसरा मैंगनीज, तीसरा लिग्नेटाइट और चौथा अभ्रक। ठीक है, तो भूरा खनिज किसको बोलते हैं? भूरा खनिज किसे बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा लिग्नेटाइट। ठीक है, लिग्नेटाइट जो यहाँ पे दिया गया है और लिग्नेटाइट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसमें से है वो है कौन सा खनिज अधातु खनिज है? तो धातु और अधातु हम लोग
पहले ही पढ़ चुके हैं टेंथ में लगभग, ठीक है। तो धातु क्या होता है इसमें कि धातु के गुण होते हैं, यानी कि जो चमकदार वगैरह होते हैं, ठीक है। और आधा तो इसमें से नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, लोहा तो धातु है, मैंगनीज भी धातु है, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट भी धातु है, बट ग्रेफाइट जो है, ठीक है, ग्रेफाइट और धातु नहीं है। क्यों? ग्रेफाइट एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अपवाद में आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से करंट जो होता है प्रवाहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा धारा पुरुष प्रधान है, ठीक है, यानी पुरुष प्रधान धारा है, ठीक है। तो पहला है ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण से नगरीय, तीसरा नगरीय से ग्रामीण और चौथा नगरीय से नगरीय, ठीक है। तो इसमें समझने का यह है कि देखिए जो है पुरुष प्रधान धारा, ठीक है, तो पुरुष प्रधान धारा का मतलब है कि जो पुरुष होते हैं वो किसी भी कार्य के लिए, जैसे कि हो गया व्यवसाय के लिए या फिर कमाने के लिए, ठीक है, कहीं भी जा रहे हैं तो जो पुरुष प्रधान होते हैं, यानी कि अधिक से अधिक जो पुरुष जाते हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, ठीक है, ग्राम से ग्राम या फिर ग्राम से नगरी। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वह है ग्रामीण से नगरी, यानी कि गाँवों से उठ के नगरों में जाके बसते हैं, ठीक है, गाँव से जाकर नगरों में जाके बसते हैं पुरुष लोग अधिक से अधिक, लेडीज उतनी नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक। तो फर्स्ट है 121.09 करोड़, दूसरा है 102.17 करोड़ और तीसरा है 125.25 करोड़, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 121.09 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आपके सामने देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी, ठीक है। तो जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अभी हमने जनसंख्या देखा, ठीक है। तो ये जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व कितनी थी, पहला है 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और दूसरा है 325 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और तीसरा है 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चौथा 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 332 व्यक्ति, ठीक है, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके सामने देखिए ये सब जो हैं वो खाली स्थान वाले हैं, ठीक है, यानी कि ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। तो इसका जो है इसका आंसर भी हम आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करवा दे रहे हैं। देखिए इनमें से जो पहला है पिट्सबर्ग का औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, किस औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर आएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आएगा इसका आंसर, ठीक है। दूसरा है, चीन की जनसंख्या के बाद भारत में विश्व का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर आएगा दूसरा स्थान, ठीक है, चीन के बाद दूसरा ही है, ठीक है। पृथ्वी का लगभग कितना भाग है जो जल से आच्छादित है, आच्छादित मतलब कि भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ है कितना भाग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 74%, कितना, 74%, ठीक है, इसका हो जाएगा लगभग 74%, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने देखिए जंग का कटोरा के नाम से कौन सा जो देश है उसे जाना जाता, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर पिट्सबर्ग, ठीक है, जो कि फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। खट्टे रसदार फलों की कृषि किस प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है, तो पूछा गया कि खट्टे रसदार की कृषि जो होती है वो कहाँ पर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भागों में, ठीक है, प्रायद्वीपीय भागों में या खारे पानी के महासागरों के किनारे जो है उधर ही खट्टे रसदार फल मिलते हैं, ठीक है, उधर ही इसकी जो होता है उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी में किस प्रकार का निक्षेप पाया जाता है, ठीक है, किस प्रकार का निक्षेप पाया जाता है, उसमें से आ जाएगा